आज एग्जाम्पल नंबर 24 एग्जाम्पल 24 में क्या दिया हुआ देखो, काना कविशा 2:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2016 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी, ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है पक्की तलपट की। उसके बाद नीचे हमको कुछ शर्तें दी हुई हैं, तो शर्तें हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम इसमें करना क्या होता है कि चार अकाउंट मिनिमम जो हमारे होते हैं वो बनाते हैं, तो चारों के चार अकाउंट यहाँ रेडी है। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी चालू खाता, रोकड़ बैंक खाता और लास्ट में हमारी पक्की तलपट। उसके बाद क्या करेंगे हम, पर बस यहाँ जो पक्की तलपट दी है उसके अंदर समायोजन टिक करने हैं कि कौन कौन से समायोजन ऊपर असर कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं। तो देखो सबसे पहले पहला समायोजन उसको छोड़ देते, त्याग दिया हुआ है हमको वहाँ पर। उसके बाद पेढ़ी की ख्याति का छोड़ दो, काना कविशा ख्याति इसको भी हम होल्ड रखते स्टैंड बाय मोड पर। चौथा नंबर का ट्रांजेक्शन यंत्र उसको टिकमा करना है। उसके बाद में हमारे पास में दिया हुआ देनदार उसको टिकमा करना है, फिर है विनियोग उसको टिकमा करना है। सातवें नंबर का समायोजन हमारा कारीगर मुआवजा पेटे 50,000 का दावा, तो कारीगर मुआवजा फंड को टिकमा करना है। आठवें नंबर पर लेनदारों को नहीं चुकाना है, तो आठवां। पालकी के पूंजी के रूप में इसको हम टिकमा करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वो हम बाद में पढ़ेंगे और इसका सोल्यूशन भी बाद में करेंगे, उसको भी हम होल्ड पर रखते हैं। यानी कि पूंजी और ख्याति से संबंधित कोई भी समायोजन, कोई भी शर्त दी हो उसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखेंगे, जब तक कि सारे समायोजन ना हो जाए बाकी के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। पहले जो बैलेंस शीट दी हुई हमको पक्की तौर पर दी है, उसकी बाकियाँ जिन जिन खातों में आती हैं वहाँ वहाँ पर हम उनको ट्रांसफ़र करने का पहला काम करेंगे। अब तो देखो, मकान में कोई समायोजन है नहीं, तो हम मकान को डायरेक्टली कहाँ लिख देंगे, पक्की तलपट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पर मकान संपत्ति लेना के अंदर हम लिखेंगे 110,000 है। उसके बाद में यंत्र 50,000 दिया हुआ है, तो यंत्र को भी हम संपत्ति लेना में ही लिखेंगे 50,000, लेकिन टिक मार्क किया हुआ है, सो वी लीव वन लाइन स्पेस। स्टॉक नो चेंजेस नो एडजस्टमेंट आर देयर, तो स्टॉक 30,000 डायरेक्टली आउटसाइड। उसके बाद देनदार कितना दिया, 66,000 टिक किया हुआ है, सो लीव वन और टू लाइन फॉर दैट। आफ्टर देन बैंक और रोकड़, यहाँ पर खाली नाम लिखेंगे, बाकी इसके स्पेशल अकाउंट बनाया हुआ है वहाँ लिखेंगे हम शेष आगे लाए। रोकड़ बैंक खाते के अंदर हम लिखेंगे शेष आगे लाए कितना है, देखो 14,000 का है तो हम 14,000 यहाँ लिखेंगे। विनियोग लिखा है संपत्ति में लिखेंगे उसको, टिक मार्क किया हुआ है 30,000, तो 30,000 यहाँ लिखेंगे वन लाइन स्पेस, डन। ये हमारी संपत्ति साइड जो थी वो पूरी हुई। अब आती है हमारी कौन सी, पूंजी दायित्व। तो पहले लिखा हुआ है पूंजी, पूंजी कहाँ आएगा हमारा, पूंजी खाते के अंदर शेष आगे लाए। रकम जो ये हमारे पास काना और कविशा दोनों की 80,000 और 1,00,000, यस और नो। उसके बाद आकस्मिक अनामत दिया हुआ है, यहाँ बांट दिया जाता है आकस्मिक अनामत को, कोई भी अनामत हो उसको। अनुपात ऊपर लिखा हुआ है 2:3, पहले ही हमने सवाल में पढ़ा था, वहाँ लिखा था 2:3, उनका टोटल होता है 5। 6,000-9,000 हमारे यहाँ बांटने पर आएगा, किसको 15,000 हम अनामत दिए उसको हम बांटेंगे 2:3 में, तो कितना आएगा 6,000-9,000। अब आगे चलेंगे तो आगे हमको क्या लिखा हुआ है, कारीगर मुआवजा फंड 40,000 दिया है, वो कहाँ लिखा जाता है, पूंजी खाते में ही लिखा जाता है, लेकिन समायोजन है इसलिए थोड़ा वेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले। यहाँ लिखेंगे 40,000 एडजस्टमेंट होगा, वो बाद में सॉल्व करके हम बांटेंगे। विनियोग रामत सेम वही है, यही लिखा जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अभी होगा नहीं, वितरण अभी करेंगे नहीं। कितना है 12,000। उसके बाद में लेनदार
टिक मार्क किया हुआ है, वन लाइन स्पेस करेंगे हम उसके लिए, 50,000 है। फिर डूबत नाम आता है, होल्ड पर रखेंगे क्योंकि इसका एडजस्टमेंट था, तो होल्ड पर रखेंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए। आगे चलते हैं, पूंजी दायित्व पक्ष भी हमारा पूरा हो गया है, संपत्ति यानी पूरी पक्की तलपट की जो भी बाकी थी हमने अलग अलग खातों के अंदर जहाँ जरूरत थी वहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं। अब बाकी रहा हमारा एडजस्टमेंट को सॉल्व करना, तो एडजस्टमेंट के अंदर हम बात करेंगे। तो पहला है काना, और इसका तो हमने तीनों को तो होल्ड पर रखा हुआ है, पहले तीन को स्टार्ट करते हैं चौथे से। यंत्रों पर 10% घिसाई अपलिखित करनी है, तो यंत्र ये रहे उस पर घिसाई गिननी है 10% की, तो 50,000 का 10% कितना होगा, माइनस करेंगे बाहर कितना आएगा, 45,000, 45,000। इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी, संपत्ति में कमी हो रही है इसके लिए इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी, मूल्यांकन पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में कमी हो रही हो कोई संपत्ति में, तो यहाँ लिखी जाती है यंत्र खाता कितनी कमी हो रही है यहाँ पर हमको 5,000 की, तो हम यहाँ पर 5,000 से असर देंगे। ठीक है, कमी हो रही है तो यहाँ पर वृद्धि होती, तो ठीक है। पांचवा नंबर लिखा है, देनदारों में से 6,000 डूबत ऋण और 15% डूबत अनामत का प्रावधान करना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले डूबत ऋण कितनी, कितना बचेगा, 60,000, उसके ऊपर हमको 15% डूबत अनामत यानी 9,000, साठ हजार का 15% किया हमने तो 9,000 उसको माइनस किया तो कितना आएगा, 51,000। अब दोनों की दूसरी असर भी देनी है, तो इसकी दूसरी असर मान लिया आएंगे नुकसान हमारे लिए सीधा सीधा पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में, नुकसान हो तो कहाँ लिखे जाता है, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम लिखेंगे डूबत ऋण कितना है, 6,000। फिर डूबत अनामत दिया हुआ है, डूबत अनामत हमारे पास नया कितना है और पुराना कितना है वो, तो नया माइनस पुराना, तो नया हमारे पास है कितना, 9,000, पुराना दिया था 3,000। कहाँ दिया था पुराना, तो देखो हमने होल्ड पर रखा था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पर, डूबत अनामत 3,000 को, तो 3,000 को हम यहाँ नया माइनस पुराना करेंगे तो कितना आएगा, 6,000। क्लियर है इतना। तो उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, इसकी दोनों की असर पूरी हो चुकी है। छठा, विनियोग की बाजार कीमत 15,000 है जो बही में लिखनी है, तो विनियोग कितने, 30,000, उसमें से मैं यहाँ लिखूंगा कमी कितनी की हुई, अब बाहर 15,000 कीमत बची है हमारे पास, विनियोग की कीमत अभी कितनी है, 15,000, तो कमी कितनी की हुई होगी, 30 था, 30 में से 15,000 की कमी हुई होगी तब जाकर 15 बचा होगा, तो 15,000 की कमी ये कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर विनियोग में 12 माइनस 15 कितना आया, माइनस में आए तो यहाँ यहाँ डैश कर देने का है हमको, माइनस में आए तो यहाँ डैश हो जाएगा। इसकी दूसरी असर कहाँ आती है, अगर माइनस में आता है तो लॉस हुआ कहवाएगा, बोलेंगे यहाँ विनियोग खाता, क्या लिखेंगे, विनियोग में कमी हुई इसके लिए, कितने की कमी हुई, अब 12 माइनस 15 कितना आया, 3,000, तो मैंने कहाँ लिखा यहाँ पर, अगर माइनस में आए तो यहाँ, अगर प्लस में बचता तो यहाँ बांट दिया जाता। अब आगे चलते हैं, विनियोग के बाद में हमारे पास है कारीगर मुआवजा पेटे 50,000 का दावा मंजूर रखना है, तो पहले तो दावा लिखने का हमको, सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, दावा लिखने का ध्यान रखना, पहले क्या लिखेंगे हम, कारीगर मुआवजा का दावा कितने का है, तो पहले हमने दावा लिखा कितने का, 50,000 का। इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, यहाँ पर, पहले कितना हमने साइड में निकाल के रखा था फंड के रूप में, 40,000, लेकिन सामने वाले ने दावा कितने का किया, 50,000 का, तो हमको तो नुकसान हो गया, हमने साइड में रखा था कितना, 40,000, और नुकसान में बढ़तर कितना चुकाना पड़ेगा, 50,000 का, यानी 10,000 ज़्यादा और, तो नुकसान हुआ 10,000 का। वो लिखेंगे कारीगर मुआवजा या अकस्मात का दावा से नुकसान, बरोबर कितना, 10,000, तो हम पूरा पूरा 10,000 यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर इतना। आगे की बात करते हैं, लेनदारों में से 10% लेनदार को चुकाना नहीं पड़ेगा, तो लेनदारों में कमी कर दो, लेनदारों में कमी यानी तुम्हारे लिए फायदा हुआ,
लेनदार में कमी यानी तुम्हारे लिए क्या आएगा, फायदा कितना होगा 5,000, 10% कितना होता है 5,000 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 की कमी। इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, फायदा है, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के जमा में दायित्व में कमी होती है तो तुम्हारे लिए फायदा होता है वो यहाँ लिखा जाता है। क्या लिखेंगे हम, लेनदार खाता कितने का, देखो हमारे पास हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो सभी एडजस्टमेंट जो हमारे ज़रूरी थे वो पूरे हो चुके हैं। अब जो बाकी रहे वो पूंजी और ख्याति के रहे हैं, जिनको हमारे पुनः मूल्यांकन खाते के साथ कोई संबंध होगा नहीं। पुनः मूल्यांकन खाता किसके लिए बनाया जाता है, संपत्ति और दायित्व में कमी या वृद्धि का लेखा करने के लिए। तो ये कमी और वृद्धि का लेखा हमने कर दिया है, अब जो बाकी रहा है सिर्फ पूंजी और ख्याति बाकी रहा है। तो इस खाते को हम पहले बंद करके इसका बैलेंस हम आगे ले जाते हैं, 30,000 माइनस करेंगे 5,000 का डिफरेंस आएगा 25,000, 25,000 को जब हम बांटेंगे तो कितना आएगा, 10,000 और 15,000 दो अनुपात 3 में बांटना। इसके लिए ये हमारे पास क्या हुआ, वितरण पात्र इस साइड आए तो हमारे लिए क्या होती है, हानि होगी। 2:3 में हमने उसको बांटा, कौन कौन बांटेगा इसको, काना और कविशा, जो हमारे पुराने पार्टनर है सिर्फ वही बांटेंगे, काना कविशा कितने अनुपात में, 2:3 में, तो आएगा 10,000 और 15,000। इसकी सेकंड पे क्या आएगी, इस साइड में वहाँ लिखेंगे हम पुनः मूल्यांकन खाता या तो वितरण पात्र हानि, तुमको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो दोनों में से। कितना है, 10,000 और 15,000, क्लियर इतना। अब आगे की कार्यवाही के लिए हमको 9वां नंबर का समझ में लिखा है कि पालकी पूंजी कितनी लेके आएगी, 1,20,000 रोकड़ में लेके आएगी, लिखा है। तो पहले हम देखते हैं कि पूंजी कितनी लेके आ रही है, तो रोकड़ में तो लिखूंगा मैं रोकड़ खाता, पूंजी ले आ रही इसलिए पूंजी खाते में इसकी असर होगी। रोकड़ खाता ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं, पूंजी, पालकी ला रही है तो पालकी का खाता में लिखूंगा 1,20,000, या जमा या पैसे आए तो उधार, क्या लिखूंगा मैं, पालकी का पूंजी खाता, क्या लिखूंगा मैं, पालकी का पूंजी खाता 1,20,000। यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट। अब बाकी रही है सिर्फ और सिर्फ ख्याति, क्या बाकी रही है, ख्याति। तो ख्याति के लिए तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, गणना करनी पड़ेगी, गणना करने के बाद ही हम ख्याति को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम गणना करेंगे, यहाँ पर गणना किस तरह से होगी वो भी हमको देखते रहना है। पार्टनर कौन है हमारे, काना कविशा और पालकी, तीन पार्टनर हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर कुल का कॉलम, सबसे पहले हम लिखेंगे पुराना अनुपात, 2:3 है, पालकी कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, टोटल कितना आएगा 5, ठीक है। अब नया अनुपात तो हमको यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है, हमने पूरा ये पढ़ा है एडजस्टमेंट समायोजनों को पढ़ा है, वहाँ पर हमको कहीं भी नए अनुपात के बारे में सूचना नहीं दी, लेकिन यहाँ पर हमको लिखा है कहाना अपने भाग का 1/2 भाग, कविशा अपने भाग का 1/4 भाग, पालकी को त्याग करें, यानी त्याग का हमको इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दिया डायरेक्टली, तो नए अनुपात की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, त्याग। तो मैं लिखूंगा काना का त्याग, किसका त्याग, काना का त्याग। तो काना का अनुपात है कितना, 2/5, देखो उसका अनुपात दिख रहा है हमको, 2/2 में कुल लिखते तो भाग मिल जाता है, गया 2/5। उसके बाद में कितना हमारे पास में, 1/2, तो 1/2 चले आगे, तो यहाँ होगा हमारे पास में 2×1=2, 5×2=10, ये त्याग कितना अपने भाग का 1/2 का जो होता है उसका गुणाकार हमको यहाँ करना होता है, क्या जो का लिखा है उसका क्या होगा, गुणाकार। तो ये काना का त्याग निकला, अब किसका हम निकालेंगे, कविशा का त्याग, कविशा का त्याग कैसे निकलेगा,
तो देखो लिखा है कविशा का भाग कितना 3/5 गुणा कविशा अपने भाग का कितना देती है यहाँ पर 1/4 भाग, तो कितना आ जाएगा 1/4, तो 3/5 = 20। अब देखो दोनों का अनुपात हमको देखने लगा, बट उससे पहले देखो इनका आधार क्या है, अलग अलग है, इसका 2/10 और इसका 20, इसका 10 है और इसका 20 है, तो दोनों समान होने चाहिए नीचे का आधार, तो आधार समान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 20 है ना, तो इसको भी 20 करने का कोशिश करेंगे, तो ये 20 कब आएगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 20 आएगा, 10 को कितने से गुणा करो तो 20 हो जाता है, 2 से, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे 2, तो जब नीचे 2 लिख रहे हैं तो ऊपर भी क्या लिखना पड़ता है 2, तो कितना आएगा 2 × 4 10 × 20, तो देखो अब ये दोनों का आधार समान हो गया 20 और 20, तो ये कितना हो गया अनुपात 4:3, ये क्या मिला हमको, त्याग का अनुपात। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि पालकी का क्या, तो पालकी का भाग जब हमको निकालना है तो वो निकालेंगे हम, तो पालकी का भाग, पालकी को मिलने वाला लाभ कितना हुआ है, जितना ये दोनों त्याग करेंगे वो किसका हुआ हिस्सा, पालकी का, ये जितना त्याग करेगा ये जितना दोनों को मिक्स होकर वो किसको मिलेगा, पालकी को, तो इन दोनों का हम प्लस करते हैं 4/20 + 3/20, टोटल कितना होता है 7/20, क्योंकि आधार समान है तो डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं हम, आधार समान हो तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी हम कर सकते हैं नहीं है, तो 7/20 डायरेक्टली आ जाएगा। अब पेड़ी की कुल ख्याति कितनी है, ख्याति पर चलते हैं हम, 80,000 है, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है 80,000, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 किया गया है। ठीक है, और उसमें से पेड़ी की ख्याति कितनी है 80,000 है, पालकी की ख्याति कितनी हुई, पालकी की ख्याति कितनी होगी 28,000, 80,000 गुणा 7/20 28,000, ये किसकी भाग की ख्याति हुई, पालकी की, तो इस ख्याति को कौन बांट लेगा, कान्हा और कविशा, कौन बांटेंगे इसको, कान्हा और कविशा, कितने अनुपात में बांटेंगे, त्याग के अनुपात में, त्याग का अनुपात हमने निकाला, हाँ 4:3, तो कितना आएगा 16,000 और 12,000, 16,000 12,000। ठीक है, एंट्री क्या होगी, रोकड़ खाता उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते का, ख्याति का प्रीमियम खाता उधार, साझेदारों के पूंजी खाते का, यानी कि कान्हा और कविशा के पूंजी खाते का, लिखो एंट्री। तो एंट्री होगी ख्याति रोकड़ में लाएगी, ऐसा लिखा था इसके लिए, तो लिखेंगे रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाता उधार, रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाता उधार, किसके, ख्याति के प्रीमियम खाते का। कितना टोटल 28,000 है, तो 28,000 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी 28,000 लिखेंगे। दूसरी एंट्री क्या होगी, इस ख्याति को दोनों बांटेंगे, तो ख्याति का प्रीमियम खाता उधार कान्हा और कविशा के पूंजी खाते का, तो कान्हा और कविशा ठीक है, यहाँ कितना आएगा देखो 16 और 12, टोटल कितना है, कितना 28,000, उसको 4:3 में बांटा तो आया 16,000 और 12,000। डन, पहले हम इसकी एंट्री कर देते हैं, उसके बाद आगे इसका कुछ और नया पॉइंट भी है आज, उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम रोकड़ खाते में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम खाता, ना समझ में आए कोई क्वेरी हो तो बोल देना, कितना 28,000 28,000, उसको अब हम यहाँ लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता 16,000
12,000 बांट दिया। अब एक पॉइंट हमने यहाँ छोड़ा था थर्ड नंबर का, काना और कविशा उनको प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति निकाल लेंगे। तो ये जो एंट्री हमने की है इसके अपोजिट एंट्री हमको करनी पड़ेगी। जितना इनको मिला है उसमें से उन लोगों ने क्या किया, विड्रॉ भी कर लिया, अपना भाग निकाल लिया है। जब ख्याति अगर साझेदार वापस निकाल ले तो जो एंट्री की है उसके सामने आधी रकम से एंट्री कर देने की है। तो यहाँ जो हमने ख्याति की एंट्री की है ये उसी के जस्ट सामने लिखेंगे हम ख्याति का प्रीमियम खाता। नाम वही, सब कुछ वही, सिर्फ रकम चेंज। जितना प्रतिशत बोले उतना प्रतिशत इस रकम का। 50 बोला है तो मैं 50 कर रहा हूँ, 60 बोला होता तो मैं 60% करता। इसका 50 पर कितना होता है, और 12,000 का कितना होता है, देखो 16,000 का 50% 8,000, 12,000 का 50% 6,000। अब इसकी एंट्री भी देनी बाकी है, ये भी तो ख्याति लेके आया था रोकड़ में, इसको भी हमको अपोजिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा ख्याति का प्रीमियम खाता 50% बोला है ना, तो 28,000 का आधा कितना होगा, 14,000। सवाल पूरा हो गया, सभी ट्रांजैक्शन पूरे हो गए हैं। अब हमको यहाँ से टोटल स्टार्ट करना है, डन। सब कुछ सारे एडजस्टमेंट हमने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, अब इनकी टोटल करना लेकिन अभी भी बाकी है। तो हम टोटल करेंगे, लास्ट में पहले पालकी का टोटल 1,20,000 हो रहा है तो हम उसको 1,20,000 टोटल कर देंगे, और इसकी रकम हम कहाँ लेके जाएंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे, लिख देंगे शेष आगे ले गए। ठीक है, डिफरेंस भी इतना ही आएगा इसका। इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 1,21,000 होगा, उसमें से 21 माइनस करेंगे तो 1,00,000 बच रहा होगा। उसके बाद में इस साइड का टोटल की बात करें तो 1,02,000, 1,02,000 में से 18,000 माइनस किया तो 88,000, 84,000। तो 84,000 हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, डन। यहाँ डेबिट है उसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, पूंजी खाते में लिखेंगे, पूंजी में किसकी, काना कविशा और पालकी 84,000, 1,00,000, 1,20,000, 304,000, 304,000। अब पहले इसका टोटल करेंगे बैंक का, 1,62,000, 1,48,000 डिफरेंस आएगा, 3,99,000। हाँ सही, 3,00,000। इस साइड का करना बाकी, इस साइड का मैंने कर लिया है, चेक कर लो एक बार। ओके, उस साइड का भी हमारा हो गया है 3,99,000। नाउ योर सम इज ओवर। अब इसके जैसा सम क्वेश्चन 10 ही है सर। ट्राई करना, 10 नंबर आ जाए तो ट्राई करेंगे। यस यू विल ट्राई, यस 10 नंबर। इसके जैसा है, जस्ट ट्राई करना है, ठीक है। उसका नाम है विदित, विशाल और बंटी।